हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है हमारा 30x60। जिसकी फ्रंट है वो हमारी 30 फीट है और जिसकी डेप्थ है वो हमारी 60 फीट है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी अपना नक्शा बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफ़िल करके आपको सेंड कर देंगे। जब तक आपको नक्शा पसंद नहीं आएगा हम उसमें चेंजेस करते रहेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा मेन गेट है, हम यहाँ से एंट्री करते हैं। जैसे आप यहाँ से एंट्री करते हैं आपको देखने को मिलता है पोर्च, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 11.5 फीट x 14.5 फीट का हमने पोर्च बनाया हुआ है। इसी के साथ आप आगे जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर स्टेयरकेस यानी कि जीना, जिससे आप फर्स्ट फ्लोर पर ले जाएंगे। जो अप लिखा हुआ है ये आपकी फर्स्ट स्टेयर है यानी कि पहली पैड़ी है, इससे आप ऊपर चले जाएंगे। ये हमने 3.5 फीट का दिया हुआ है। इसके बराबर में हमने बनाया हुआ है ड्राइंग रूम, इसका डोर हमने यहाँ से 3.5 फीट का दिया हुआ है और दूसरा डोर हमने ड्राइंग रूम का यहाँ से भी दिया हुआ है 3.9 फीट का हमने ये डोर दिया हुआ है। इस ड्राइंग रूम का हमने साइज दिया हुआ है 16 फीट 3 इंच x 16 फीट 3 इंच का हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है वेंटिलेशन के लिए विंडो, जो कि हमने यहाँ पर 3 फीट के लगा दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब आगे चलते हैं तो आपको एक डोर देखने को मिलता है, उसके बाद आपको देखने को मिलती है पैसेज, इससे आप आगे आते हैं। इसी के बाद आप लॉबी में आ जाते हैं, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है 16 फीट x 20 फीट 9 इंच की हमने लॉबी बनाई हुई है। लॉबी के इस तरफ हमने बनाया हुआ है किचन, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। इस किचन का साइज हमने दिया हुआ है 7 फीट 3 इंच x 10 फीट का हमने किचन बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है एल साइज की स्लेब, जो कि हमने डाली हुई है, और वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर 2 फीट की विंडो लगा दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। लॉबी के राइट तरफ आपको देखने को मिलता है एक बेडरूम, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। इस बेडरूम का साइज हमने दिया हुआ है 11 फीट 9 इंच x 10 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है, और वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर 3 फीट 9 इंच की यहाँ पर विंडो लगा दिया ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इसके बराबर में हमने बनाया हुआ है लैट और बाथ, लैट का डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दे दिया है। लैट का साइज हमने दिया हुआ है यहाँ पर 4 फीट x 3 फीट का हमने लैट बनाया हुआ है। इसके बराबर में हमने बनाया हुआ है बाथ, जिसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। बाथ का साइज हमने दिया हुआ है यहाँ पर 4 फीट x 4.5 फीट की हमने बाथ बनाई हुई है। इस बेडरूम के बराबर में हमने दे दिया है स्टोर, इनकी रिक्वायरमेंट थी अलग से स्टोर भी होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर दे दिया है। इसका डोर हमने यहाँ से दिया हुआ है। स्टोर का साइज हमने दिया हुआ है 11 फीट 9 इंच x 7 फीट का हमने स्टोर बनाया हुआ है। अब आगे चलते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट थी 3 BHK सेट, हमें 3 बेडरूम बनाने से, तो पहला बेडरूम तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। दूसरा बेडरूम हमारा ये रहा, जिसका डोर हमने यहाँ से 3.5 फीट का दे दिया है। इसका साइज हमने दिया हुआ है बेडरूम का 11 फीट 9 इंच x 15 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है, और वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर 3 फीट 9 इंच की विंडो लगा दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इसी के साथ आपको इसमें 2 फीट की अब आपको अलमीरा भी देखने को मिलती है ताकि आपको यहाँ पर आसानी हो जाए। और एज़ पर रिक्वायरमेंट हमने इसमें एक और डोर दे दिया है, जो कि आपको स्टोर में लेकर सॉरी टॉयलेट में लेकर जाता है, यहाँ से आप टॉयलेट में आ जाएंगे। इस टॉयलेट का साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 4 फीट x 10 फीट 7 फीट 10 इंच की हमने बनाई हुई है। 4 फीट x 7 फीट 10 इंच की हमने टॉयलेट बना दी है। अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड बेडरूम का डोर, जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है 3.5 फीट इस डोर का। यहाँ से हम एंट्री करते हैं। इस बेडरूम का हमने साइज़ दिया हुआ है यहाँ पर 14 फीट 4 इंच x 11 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें 2 फीट की वार्डरोब भी देखने को मिलती है, और इसी के साथ आपको इसमें 5 फीट की विंडो देखने को मिलती है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इस बेडरूम में हमने एक और विंडो दी है यहाँ पर 3 फीट की, ताकि यहाँ से भी इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और आप यहाँ पर अपना बेड डाल के यहाँ पर आप अपना सामने आपका बेड डलेगा, और यहाँ पर आप अपनी LCD लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पूजा रूम की, जो कि हमने यहाँ पर बना दिया है। पूजा रूम का डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दे दिया है, और इस पूजा रूम का साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर 6 फीट x 4 फीट का हमने पूजा रूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया, आपको देखने को मिलता है यहाँ से अरेंजमेंट ताकि यहाँ से उसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। और लॉबी के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर 5 फीट की विंडो लगा दिया ताकि यहाँ से लॉबी का भी वेंटिलेशन होता रहे। तो 30x60 में मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी कुछ बता दिया। अगर आपको भी अपना नक्शा बनवाना है या फिर आपको अपना इंटीरियर वगैरह करवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफिल करके 48 आवर्स में आपको सेंड कर देते हैं। हमारा स्टाफ आप ही के लिए बैठा है। थैंक यू वेरी मच। हमारा फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं।